सत्ता का नशा जब चढ़ता है ना, सर चढ़कर बोलता है, क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है जिसे हासिल करने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। और अगर वही आई हुई सत्ता हाथों से फिसलती दिखे तो फिर तो इंसान अपनों को भी नहीं बख्शता। खैर, मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रही हूँ, क्योंकि क्राइम सीन के आज चौथे एपिसोड में बात ऐसे एक केस की होगी जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें सीरी है, सेक्स है, सियासत है और साजिश है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव का खास प्रोग्राम क्राइम सीन। और क्राइम सीन में आज बात करेंगे सियासत से जुड़े उस हत्याकांड की जिसने राजस्थान के दो दिग्गज नेताओं को जेल की हवा खिला दी। उस केस की जो मीडिया में एक सीडी के साथ आया और हड़कंप मचा गया। बात भवरी देवी हत्याकांड की। जोधपुर के जलीवाड़ा गाँव के एक उपकेंद्र में सहायक नर्स के पद पर तैनात भवरी देवी, सामान्य सी नौकरी थी और साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की, लेकिन ख्वाब बड़े बड़े, महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं। राजस्थानी फिल्मों में नाम कमाने की महत्वाकांक्षा के चलते ड्यूटी छोड़कर शूटिंग पर चली जाती थी। ड्यूटी से गायब रहने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया, अब नौकरी की भी जरूरत थी। ऐसे में एक रोज भवरी देवी तत्कालीन विधायक मलखान सिंह से मिलने पहुंच जाती है, अपनी कहानी सुनाती है और नौकरी वापस देने की गुहार लगाती है। मलखान कहता है कि ये उसके हाथ की बात नहीं है, लेकिन काफी देर जोर देने पर मलखान उसे मंत्री महिपाल मदेरणा से मिलवाता है। महिपाल मदेरणा आश्वासन देता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। अब उन दोनों की मदद से वो निलंबन को रद्द करवा लेती है। इसके बाद से तीनों के बीच नजदीकियां शुरू हो गई। अब भवरी देवी का ज्यादातर समय दोनों नेताओं के साथ बीतता था, यानी सियासत की चार दीवारियों में। सत्ता से नजदीकियों के चलते भवरी देवी पर ग्लैमर से ज्यादा राजनीति का नशा चढ़ने लगा। अब भवरी देवी ने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की, वो भी विधानसभा चुनाव। उसने मलखान और मदेरणा दोनों पर काफी दबाव बनाया और फिर वो चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देने पर उन दोनों को धमकी देने लगी। मुश्किलें बढ़ती देख मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। इस बीच एक सीडी की खबर फैली जो पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला सकती थी। इसे सीडी के दम पर भवरी 3 दिन में सरकार गिराने का दावा करती थी। ये बात कुछ लोकल पत्रकारों तक पहुंची लेकिन बाहर नहीं आए। कहते हैं कि भवरी देवी ने उस सीडी के बदले अच्छी खासी रकम ली और कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन मलखान सिंह से भवरी देवी को एक बेटी भी थी। शादीशुदा और प्रतिष्ठित नेता की छवि वाले मलखान के लिए भवरी एक बड़ी समस्या बन गई थी। इससे परेशान मलखान ने अपने भाई और बहन इंदिरा को भवरी को शांत कराने का काम सौंपा। इसके बाद कुछ दिनों तक मामला शांत रहा। फिर अचानक 1 सितंबर 2011 को भवरी देवी लापता हो गई और सीडी शायद जिसके लिए अपहरण हुआ वो भी मीडिया में आ गई थी। वीडियो सार्वजनिक हुआ तो तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा को बर्खास्त कर दिया गया। भवरी देवी 1 सितंबर 2011 को दोपहर 1 बजे अपने घर से रवाना हुई। वो सोहनलाल विश्नोई से कार के सौदे के पैसे लेने जा रही थी। करीब 4 बजे सोहनलाल ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और कई घंटे एक ही जगह पर घूमता रहा। गाड़ी में शहाबुद्दीन नाम का एक शख्स भी मौजूद था। भवरी को शक हो गया और उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला ताकि वो नीचे कूद सके। ये देख सोहनलाल और शहाबुद्दीन ने उसे आगे की सीट की तरफ खींचा। दोनों ने भवरी का सिर और गर्दन सीटों के बीच में दबा लिया। दम घुटने से भवरी निढाल हो गई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब 20 दिन बाद भवरी देवी का पति उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा। जांच शुरू हुई क्योंकि भवरी देवी के पति ने सार्वजनिक तौर पर बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगा दिए थे। सीडी की बात पहले ही गरमा चुकी थी, अब मामला आम नहीं रह गया था। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच शुरू की तो कानून के हाथों बड़ी बड़ी सियासी हस्तियों की गर्दन आई, लेकिन चुनिंदा लोगों पर ही ध्यान केंद्रित हुआ। आखिरकार सही राम उमेश राम, महिपाल मदेरणा, विशेष राम सोहनलाल, मलखान सिंह बिश्नोई, उसका भाई परसराम और भवरी के पति अमरचंद सहित 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे अंत में इंदिरा बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ी।
जी हाँ, आपने सही गौर किया। दरअसल इस सब में खुद भंवरी का पति भी शामिल था, शायद इसीलिए क्योंकि वो भंवरी देवी के रिश्तों के बारे में जानता था। और बड़े बड़े लोगों के साथ उसने बैठने वाली भंवरी अपने पति को कोई खास तवज्जो नहीं देती थी। मदेरणा को 2012 में मलखान सिंह बिश्नोई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि मदेरणा जमानत पर बाहर आया था और अक्टूबर 2021 में कैंसर से उसकी मौत हो गई। अगस्त 2021 में मलखान सिंह भी जमानत पर बाहर आ गया था। कम शब्दों में कहूं तो फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं और केस कोर्ट में है। अब इन बचे 17 आरोपियों के लिए कोर्ट में कब क्या फैसला लिया जाएगा तो वक्त बताएगा, पर 12-13 सालों बाद भी लोग इस केस को भूल नहीं पाए हैं। खैर, चलिए वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करने का। मिलते हैं आपसे क्राइम सीन के अगले एपिसोड में, जहां बात होगी सबसे चर्चित और खौफनाक निठारी कांड की। देखते रहिए एबीपी लाइव।